खबर दिनभर आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में सीईसी की बैठक यानी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक लगातार चल रही है। बीजेपी मुख्यालय में ये मीटिंग चल रही है, प्रधानमंत्री मोदी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। इसके साथ ही इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल है, छत्तीसगढ़ बीजेपी के बड़े नेता भी इसमें मौजूद हैं। डॉक्टर रमन सिंह, अरुण साव, नारायण चंदेल, मनसुख मांडविया और नितिन नवीन भी इस बैठक में मौजूद हैं। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। तो केंद्रीय चुनाव समिति की यह बैठक चल रही है, प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम बीजेपी के नेता, आला नेता मौजूद हैं। इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे तो उनका स्वागत जेपी नड्डा ने किया और इसके बाद ये बैठक जो है वो लगातार जारी है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की ये बैठक काफी अहम है। माना जा रहा है कि चुनाव से जुड़ी रणनीतियों के साथ ही प्रत्याशी जो तय करने हैं उसको लेकर इसमें अहम चर्चा हो रही है। अशरफ काजमी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। अशरफ, क्या जानकारी है कि ये बैठक कब शुरू हुई, कितनी देर और चलने की उम्मीद है, क्या मुद्दे हैं अगर टिकट को अलग रखा जाए तो, क्योंकि टिकट पर तो चर्चा स्वाभाविक है कि होनी ही है। पूरी देखिए, यहाँ पे दावेदारों के नामों पर जो आज फैसले लिए गए, जो कोर कमेटी की बैठक हुई उसी पर आगे चर्चा की जा रही है और अभी तक राजस्थान को लेकर बातचीत की जा रही है। अब जब राजस्थान की खत्म हो जाएगी बैठक, उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ का नंबर आएगा और उसमें उम्मीद की जा रही है कि आज जो बची हुई सीटें हैं कभी करीब करीब सभी पर सीईसी अपना फैसला ले लेगी। हालांकि ये बहुत साफ है कि वो सूची जारी नहीं करने वाली, वो सभी सीटों पर फैसला कर लेगी और सूची कब जारी करेगी और कितनी किस्तों में करेगी, ये नहीं है कि मतलब 21 सीटें हैं तो बाकी 79 सीट्स पे एक साथ ही वो सूची जारी कर देगी, ऐसा भी नहीं है। हो सकता है कि वो दो या तीन सूची और जारी करे। और एक जो सबसे अहम बात सामने आ रही है, सूत्र बता रहे हैं कि जैसा मध्य प्रदेश में किया गया है फॉर्मूला, वो ही यहाँ पे भी आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। यानी कि कोई बड़ा चौंकाने वाले फैसले हों, बड़े नाम हों, उनको चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है या किसी बड़े नामवर को चुनाव मैदान से हटाया जा सकता है, ये भी हो सकता है, इस तरह की कयास है। लेकिन हाँ, जो कुछ होगा छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों पर आज फैसला केंद्रीय चुनाव समिति कर लेगी। सूची कब जारी की जाएगी उसके बारे में थोड़ा सा भी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आज पूरा दिन यहां पर दिल्ली में कोर ग्रुप की बैठकों का दौर चला हो, पहले सह प्रभारी मनसुख मंडाविया के साथ हो या प्रभारी ओम माथुर के साथ, और फिर शाम को जेपी नड्डा के आवास में गृह मंत्री के साथ हो, तो बैठकों का बहुत लंबा दौर चला है। और अब यहां पर भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है छत्तीसगढ़ को ले, अभी राजस्थान को चल रही, तो चीजें हैं कि आज छत्तीसगढ़ के नेता लगातार बैठकों में रहे हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि आज जो है वो फैसला हो जाएगा। बिल्कुल, आज फैसला हो जाएगा। अशरफ ये कह रहे हैं क्योंकि बैठक अभी लगातार जारी है, ये भी बता रहे हैं कि अभी राजस्थान को लेकर चर्चा हो रही है और उसके बाद छत्तीसगढ़ की बारी आनी है। छत्तीसगढ़ को लेकर दिन भर से लगातार बैठकों का दौर चलता रहा। बहुत शुक्रिया अशरफ, आप नजर बना के रखिएगा इस बैठक पर। छत्तीसगढ़ चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही थी जो खत्म हो गई है। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन ने बयान दिया है, 90 सीटों पर चर्चा की गई है और कांग्रेस नेतृत्व को बधाई देना चाहता हूं, सीईसी की बैठक के लिए जल्द ही रिक्वेस्ट की जाएगी, यानी कि तैयारी स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से पूरी कर ली गई है, इसे माना जा सकता है उनके इस बयान से, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब सीईसी की बैठक जल्द ही हो जाए, केंद्रीय चुनाव समिति, कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जल्द हो जाए, इसके लिए वो रिक्वेस्ट करेंगे। और ज्यादातर सीटों पर आम सहमति बन गई है, उन्होंने ये भी कहा है, छत्तीसगढ़ के लिहाज से और जनता के इंटरेस्ट में आपस में फैसले लिए गए हैं। सीईसी के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष जब समय देंगे तब बैठक कर ली जाएगी, स्क्रीनिंग कमेटी का काम पूरा हो गया है, कुछ चीजों पर सीईसी फैसला करेगी।
तो 90 सीटों पर चर्चा कर ली गई है। छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ बीजेपी की तरफ से लगातार प्रत्याशियों को लेकर मंथन किया जा रहा है और बीजेपी की तरफ से समिति जो है उसने तो मंथन कर ही लिया, लेकिन अब सीसी की बैठक बीजेपी की भी हो रही है दिल्ली में। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो गई और इसमें कहा गया, इस बैठक के समाप्ति के बाद अजय माकन की तरफ से कहा गया है कि 90 सीटों पर हमने चर्चा कर ली है, कई सीटों पर आम सहमति भी बन चुकी है, सीसी की बैठक के लिए जल्द ही रिक्वेस्ट कर ली जाएगी। यानी कि काम अपना स्क्रीनिंग कमेटी ने पूरा कर लिया है और उन्होंने कहा भी है कि स्क्रीनिंग कमेटी का काम पूरा हो चुका है और जरूर कुछ चीजों पर सीईसी को फैसला करना होगा और सीईसी की बैठक जल्द हो ये इस बात के लिए रिक्वेस्ट की जाएगी। जब कांग्रेस अध्यक्ष जो परमिशन देंगे तब ये बातें हो जाएंगी। तो लिस्ट को लेकर काम कांग्रेस की तरफ से अब अंतिम मोड़ पर आ गया है। बधाई देते हैं कि छत्तीसगढ़ स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन के रूप में आए, लेकिन यहां से जा रहे हैं तो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के रूप में जा रहे हैं, तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हम सब इनको बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। पहले वोरा जी हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे और माता जी तो उनसे बहुत करीबी भी थे और वो दायित्व इनको मिला है और हमारे हाई कमान ने इनको विश्वास व्यक्त किया है, तो हम सब उनको बधाई देते हैं, शुभकामना। देखिए आज स्क्रीनिंग कमेटी की हमारी बैठक में हमने 90 की 90 सीट्स के ऊपर बड़े विस्तार से चर्चा करी और मैं इस अवसर पर बधाई देना चाहूँगा हमारे क्षेत्र के कांग्रेस के नेतृत्व को, हमारे AICC जनरल सेक्रेटरी और AICC के सेक्रेटरीज को कि इन्होंने बहुत। छत्तीसगढ़ चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक जो है इसके बाद कुमारी शैलजा की तरफ से बयान आया है, चुनाव से संबंधित बातों पर चर्चा की गई है। बैठक में आगे भी चुनाव की रणनीति बनाई गई है और भरोसे की यात्रा जो निकाली जानी है। इस पर कुमारी शैलजा ने कहा है कि शांति के दूत हमारे महात्मा गांधी का ये मैसेज है, शास्त्री जी जय जवान जय किसान का मैसेज दे चुके हैं और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का मैसेज दिया है, बीजेपी लोगों को बांटने का मैसेज फैला रही है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर उन्होंने कहा है कि चुनाव हैं तो पीएम आ रहे हैं, कांग्रेस सरकार ने कितना काम किया है ये जनता भली भांति जानती है, आखिर में आकर क्रेडिट लेने की बात की जा रही है। चुनाव है तो अब आएंगे, बिल्कुल आएंगे, और जो बातें हैं आप भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं और जनता भी सुन रही है, और जनता को मालूम है कि यहाँ पर किसने क्या दिया। 15 साल का इनका राज था और अब 5 साल में यहाँ पर हर एक वर्ग को खुशहाल किसने किया है, अब आखिर में आकर क्रेडिट लेने का प्रयास किया जा रहा है। पहले क्यों नहीं आए, क्यों नहीं पहले बात। तो आखिर में आकर क्रेडिट लेने का प्रयास किया जा रहा है, ये कह रही कुमारी शैलजा। और युगल तिवारी हमारे संवाददाता रायपुर से जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। युगल, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जो चल रही थी खत्म हो गई और इस बैठक के बाद दोनों नेताओं के बयान जो हैं वो ये बता रहे हैं कि हमने हमारा काम पूरा कर लिया है, अब सीईसी की बैठक का इंतजार है, जैसी बैठक होगी मुहर लगना शुरू हो जाएगी, प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होना शुरू हो जाएगा। हालांकि वक्त है क्योंकि मुख्यमंत्री कल कह चुके पितृपक्ष चल रहा है। जी बिल्कुल अपनीत, आप सही कह रहे हैं, सभी को पितृपक्ष जाने का इंतजार है और यहाँ पे जो स्क्रूटनी करनी थी, जिन नामों पर तय होना था वो नाम तय कर लिए गए हैं। 90 सीटों पर जिस तरह से सहमति बनी, जब नेता सभी नेता मुख्यमंत्री हैं, अजय माकन है और कुमारी शैलजा है, जब बाहर आए तो साफ दिख रहा था कि कॉन्फिडेंस स्पष्ट झलक रहा है और सूची जो है पितृपक्ष के बाद जारी हो सकती है और इससे पहले भी सीएससी से रिक्वेस्ट किया जाएगा, जैसे भी उन्होंने अजय माकन ने कहा है कि रिक्वेस्ट किया जाएगा, जब बैठक होगी उसके बाद जो है नामों पर सहमति बन पाएगी। कुछ निर्णय लेने हैं जो सीएससी के अधिकार क्षेत्र में है, उनको निर्णय लेना है और साथ ही साथ अभी जो कुमारी शैलजा है छत्तीसगढ़ की जो प्रभारी है, उन्होंने बीजेपी पर करारा हमला बोलते हुए कहा है कि यहाँ पर बीजेपी श्रेय लेने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में धान और किसान एक जो प्रमुख मुद्दा है पुलिस, तो उसको लेकर के कहा है कि बताएं कि बीजेपी कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ छत्तीसगढ़ से ज्यादा किसानों को देते हैं, तो ये सीधा सीधा हमला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर के एक बड़ा तंज उन्होंने कसा है, तो बिल्कुल तैयारी कह सकते हैं कि जवाब देने की कर ली गई है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, अभी 30 तारीख को दौरा हुआ, फिर वापस 3 तारीख को आने वाले हैं,
तो तैयारी कांग्रेस की तरफ से भी आज हमने देखा कि मुख्यमंत्री की तरफ से भी ये कहा गया कि केंद्र जो है वो मदद नहीं कर रहा है, धान नहीं खरीद रहा है। मुख्यमंत्री ने भी इसका जवाब देने की ठान ली है और कुमार शैलजा ने भी यही कहा है कि क्रेडिट लेने की राजनीति की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बड़ी खबर दंतेवाड़ा से। अब दर्शकों को बता देते हैं, 1,00,000 रुपए का इनामी माओवादी गिरफ्तार किया गया है। CAF की तरफ से ये गिरफ्तारी की गई है, माओवादी को गिरफ्तार किया गया है। मेडिकल सदस्य के साथ ही 4 और गिरफ्तार हुए हैं। इन पर कई सारे मामले दर्ज हैं, कई वारदातों को इन लोगों ने अंजाम दिया था। पुलिस की पूछताछ में भी कई खुलासे हुए हैं। दंतेवाड़ा से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, ये 1,00,000 का इनामी माओवादी और 4 अन्य सदस्य गिरफ्तार किए गए। CAF ने ये बड़ी कार्रवाई की है। डीजे वालों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। नियम विरुद्ध डीजे बजाने के संबंध में कोलाहल अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई कर 5 वाहनों और डीजे संचालक को जब्त किया गया है। और कांग्रेस से खबर आपको बता रहे हैं, नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की गई। गणेश विसर्जन के दौरान हंगामा हुआ, जिसकी हम आपको बता रहे थे। अभी पुलिस अधिकारी यही बात कह रहे थे कि डीजे साउंड सिस्टम के मालिकों पर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 5 वाहनों को जब्त किया है। कोतवाली इलाके का ये पूरा मामला है। बढ़ते आगे, बिलासपुर के बाद बारी अब प्रधानमंत्री मोदी के मिशन बस्तर की है, जिससे कि बीजेपी बस्तर की चुनावी फिजा भगवामय होने की आस लगाए बैठी है। 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगदलपुर के दौरे पर रहेंगे। उनके दौरे को लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। लालबाग मैदान में 2 विशाल मंच तैयार किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री एक मंच से सरकारी कार्यों का लोकार्पण करेंगे और दूसरे मंच से आम जनता को संबोधित करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी नगरनार NMTC प्लांट का लोकार्पण करने वाले हैं, रेलवे लाइन के दोहरीकरण की सौगात देने वाले हैं। दौरे को लेकर बीजेपी के बड़े नेताओं का जगदलपुर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को सभा में आने के लिए आमंत्रण पत्र भी दे रहे हैं। 3 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैदान दूसरे की इस पावन धरा पर आगमन हो रहा है और निश्चित तौर पे जब से हमारे देश का नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संभाला है, तब से लगातार उन्होंने बस्तर और पूरे छत्तीसगढ़ को फोकस किया है। बस्तर के हमारे लोगों को लिए अनेकों सौगात दी है, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, चाहे वो शौचालय का हो या उज्ज्वला योजना हो, अनेकों योजना के साथ में उन्होंने यहाँ के लोगों को लाभान्वित किया है। अभी भी आ रहे हैं तो वो हमारे बस्तरवासियों को कुछ ना कुछ सौगात दे करके जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि नगरनार स्टील प्लांट को निजी हाथों में देने का बस्तर में विरोध हो रहा है। नगरनार स्टील प्लांट केंद्र नहीं चला पा रहा है तो उसे छत्तीसगढ़ सरकार को दे दिया जाए, हम उसे चला लेंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि विनिवेश की प्रक्रिया में ऐसा क्लॉज लगा दिया है कि निजी हाथों की जगह राज्य सरकार ये प्लांट न ले पाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि जब नगरनार स्टील प्लांट की स्थापना हो रही थी तब छत्तीसगढ़ के लोगों ने इस प्लांट को निजी हाथों में देने के लिए जमीन नहीं दी है। नगरनार स्टील प्लांट से छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद की गई है, यहाँ के विकास की उम्मीद की गई है। ये उम्मीद की गई है कि इससे हमारे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में विकास की नई शुरुआत होगी। लेकिन अब ये नजर आ रहा है कि प्लांट की स्थापना के बाद इसे निजी हाथों को सौंपने की साजिश की जा रही है। निजीकरण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बस्तर में जब भी हम लोग गए तो उसकी भावना को हम लोगों ने देखा है और इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा किया कि इंसान का शरीर भगवान कैसे कैसे गढ़ता है, यह आम इंसान की समझ से परे है। कई बार तो ऐसा होता है जब धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स भी कुदरत के करिश्मे को देखकर अचंभे में पड़ जाते हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिला भिलाई की एक महिला के शरीर में। भिलाई के स्पर्श हॉस्पिटल में एक अनोखा मामला सामने आया। एक महिला जो अपने पेट का इलाज करवाने पहुंची थी, उसके शरीर में 3 किडनियां मिली हैं। शरीर के भीतर 3 किडनियां मिलने से डॉक्टर्स अचंभित हैं। डॉक्टर्स ने जब रिसर्च की तो पता चला पूरे दुनिया में सिर्फ 100 लोग ही ऐसे हैं जिनकी 2 नहीं बल्कि 3 किडनियां हैं। अब इस लिस्ट में भिलाई की रहने वाली महिला भी शामिल हो गई है। स्पर्श हॉस्पिटल के यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर शिवेंद्र तिवारी के मुताबिक महिला के शरीर में इन्फेक्शन और तेज दर्द था। जब उसका CT स्कैन किया गया तो रिपोर्ट में 3 किडनी पाई गई। बेहद ही रेयर केस होने के कारण उस महिला की फिर जांच की गई, जिसमें स्पष्ट हुआ कि महिला के शरीर में 3 किडनियां ही हैं।
इसमें दो किडनी ट्यूब और ब्लैडर में आकर मिल रही हैं, एक ट्यूब ब्लॉक था, उसी किडनी की वजह से महिला के शरीर में बार बार इन्फेक्शन हो रहा था। हालांकि इलाज के 3-4 दिन बाद महिला पूरी तरह से स्वस्थ है। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाया गया और इस कड़ी में छत्तीसगढ़ में भी स्वच्छता अभियान चलाया गया। राजधानी रायपुर में तमाम लोगों के साथ राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने भी स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स के साथ आम लोगों ने भी इस अभियान का हिस्सा बनकर इसमें हाथ बटाया। कांकेर में नक्सल मोर्चे पर डटे BSF के जवानों ने भी स्वच्छता अभियान चलाया और कोयली बेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में साफ सफाई की। प्रदेश के दूसरे राज्यों में भी आम लोग इस स्वच्छता अभियान का हिस्सा बने। कोरबा, सुकमा, कोंडागांव, राजनांदगांव समेत प्रदेश के सभी जिलों में स्वच्छता अभियान जोर शोर से चलाया गया। उधर राजधानी रायपुर में गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन भक्त धूमधाम के साथ कर रहे हैं और ये जयकारा भी लगा रहे हैं कि गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ। शनिवार देर रात तक झांकियों का विसर्जन प्रशासन की ओर से निर्धारित जगहों पर किया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।